हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वीडियो हम रीट के जो बच्चे हैं 2022 वाला मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ में आने वाले वक्त में जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपके सिलेबस में पॉइंट नंबर 6 में सूचना तकनीकी एक विषय दे रखा है जो 10 नंबर का आएगा। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जल्दी ही चैनल पर आ जाएगा, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग बच्चों की डिमांड पर हमें टूल से पहले स्टार्ट करना पड़ा। सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, आज इसका पार्ट 3 आने वाला है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का रहेगा। देखिए आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 150 क्वेश्चन हैं। कितने मार्क्स हैं, 300 मार्क्स हैं। कितनी देर एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। साथ साथ अगर आपको आपके कोई भी सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हम कैसे वीडियो बना रहे हैं आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो आ जाइए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव में हमने सबसे पहले इसके पॉजिटिव नेगेटिव देखे थे। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। फिर हमने सीक्रेसी को समझा था, फिर उसके बाद में हमने ऑथेंटिकेशन समझा था। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमने इंटीग्रिटी समझा था, फिर प्लैगरिज्म समझा था। ये आपके डायरेक्ट सिलेबस के टॉपिक्स हैं तो आप इनको देख सकते हैं। फिर ये चीज़ें समझी थी सारी। फिर हमने ये क्वेश्चन किया था, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है, निजता, प्रमाणिकता, सत्यनिष्ठा या साहित्यिक चोरी। इसका आंसर है साहित्यिक चोरी। आ जाइए फिर हमने पार्ट 2 में ये समझा था, बौद्धिक संपदा का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको अच्छे से समझा था। ये वीपो समझा था, ठीक है। ये WTO के बारे में पढ़ा था, ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है ये समझा था। देखिए उसके बाद हमने कुछ एक्ट देखे थे जिसमें भारत में कितने हैं, 8 अधिनियम हैं बौद्धिक संपदा से रिलेटेड, और ट्रिप्स में कितने हैं, 7 अधिनियम बना रखे हैं, ठीक है। अभी 8 हमने देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया वाले तो हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कौन सा था, 2000 का था। कॉपीराइट हमने कैसे याद करा था, 7 से याद करा था, लास्ट में 7 आएगा। पेटेंट कैसे याद करा था, इसमें भी 7 आएगा, ये 1970 हो गया, ये 1957 हो गया। फिर हमने डिज़ाइन वाले एक्ट याद करे थे जिनमें कौन सी ईयर का, 2000, जिसमें डिज़ाइन आएगा उसको कैसे याद कर लेंगे, 2000 से, ठीक है। ट्रेडमार्क्स एक्ट देखा था, 1999। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ट्रेड सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसने नहीं पढ़े वो पढ़ सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था करियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से करियर्स अवेलेबल हैं, इनके बारे में समझा था, ठीक है। फिर हमने ये क्वेश्चन देखा था, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1918, ठीक है। तो इसका आंसर था ऑप्शन सी 1967, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं सोशल मीडिया। देखिए हम सोशल मीडिया क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सोशल मीडिया पढ़ते ही क्या आपके मन में विचार आ रहे हैं, क्या सोशल मीडिया ये है। अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है तो आप 50-50 ठीक है, ठीक है। परंतु आपके मन में ये विचार नहीं आया और इसकी जगह पर ये विचार आया कि हमारा जो सिलेबस दे रखा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इस पर सोशल इम्पैक्ट पूछ रहा है, और सोशल इम्पैक्ट में ये पूछ रहा है कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो उसका एक पॉइंट है सोशल मीडिया, जिसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को लिंक कर दिया है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी 100% प्रोबेबिलिटी हो गई आंसर को सही करने की, ठीक है। अब देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जब से सोशल मीडिया आया है तो इसने जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम था उसको क्या करा, पूरी तरीके से बदल दिया है, है ना। कैसे बदला है, पहले क्या होता था, कबूतरों के माध्यम से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे, डाकिये के थ्रू डाक भेजते थे, पत्र भेजते थे। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है ना, कोई बीमार है और उसको अपने घर से 50,000 5,000 रुपये चाहिए, पुराने ज़माने की बात करते हैं चलो। जैसे मान लीजिए ए बंदा है और ये बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज होगा, अब कल आ जाइए। अब इसने सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है, घर वालों से पैसे मंगा लेता हूँ। इसने एक लिखा पत्र, ठीक है, लेटर लिख दिया, घर वालों तक गया, कितने एक महीने बाद पहुँचेगा घर पर, इसको भी पता है एक महीने बाद पहुँचेगा, पर इसको कल ही इलाज कराना था। तो इसने क्या उधार ले लिए और हॉस्पिटल गया ये और अपना इलाज करा लिया और 7 दिन में छुट्टी होकर घर भी आ गया,
ठीक है। परंतु जब ये पत्र इसके घर पहुंचेगा 1 महीने बाद, तो घर वाले रोने लगेंगे, बिलखने लगेंगे। तब परंतु ये 1 महीने में तो रिकवर हो गया, ये अपने दैनिकचर्या के कार्य करने लगा। पर जैसे इसके घर में पत्र पहुंचा, घर में ही हो गया, वो तो बीमार पड़ा है, ये है वो है, इन्फॉर्मेशन कब हुई, लेट पहुंची। लेट पहुंचने से क्या हुआ, उसके रिएक्शंस भी लेट आए, है ना। तो इन सब चीज़ों को बदल के रख दिया है सोशल मीडिया ने। आज मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, किसी को कुछ बताना है, तो आप तुरंत फ़ोन निकालेंगे, तुरंत मैसेज कर देंगे और तुरंत वो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन अ फ्यू आवर्स सामने वाले तक वो पहुँच जाएगा। और उसको पैसे भी ट्रांसफ़र करने हैं तो वो ऑनलाइन आपको ट्रांसफ़र कर देगा तुरंत। तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से हमारे जीवन में क्या हुआ है, प्रगति हुई है, विकास हुआ है, तेजी आई है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज बहुत तेज हुआ है। और ये सब किसके थ्रू हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। सोशल मीडिया ने अवेयरनेस फैलाई है, लोगों को जागरूक किया है, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। आ जाइए अब इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं जिससे आप आराम से समझ सकें। एक दूसरे से संवाद का आदान प्रदान करने के लिए कभी कबूतर और डाकियों के जरिए पत्र भेजे जाते थे। एक पत्र को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचने में महीने लग जाते थे। पत्र का जवाब पाने के लिए भी महीने को इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन आज सात समुद्र पार बैठे लोगों के साथ सीधे बात की जा सकती है, अपना दुख दर्द साझा किया जा सकता है, अपने आसपास के माहौल से अवगत कराया जा सकता है। कहा जाए तो आज पूरी दुनिया मुट्ठी में समा गई है और इसका पूरे श्रेय जाता है किसको, सोशल मीडिया को जाता है। आ जाइए अब देखते हैं सोशल मीडिया किसे कहा जाता है। देखिए, ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन जिसके थ्रू क्या होते हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो के फॉर्म में हो, ठीक है, या कोई लेटर हो, कोई वर्ड्स हो, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, है ना। तो ये जो चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं ये किसके थ्रू कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। इसके लिए क्या है, एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इनके इस्तेमाल से हम क्या कर रहे हैं, फास्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसे सोशल मीडिया बोला जाता है। सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस है वो आप देख सकते हैं, चाहे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, एनीथिंग, जो आप अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपने मैसेज, इन्फॉर्मेशन, अपना डाटा शेयर करने के लिए, उन सबको क्या बोला जाता है, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस कहा जाता है। अजय फ्रेंड, अब देखते हैं, देखो दुनिया भर में कितनी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, 200 से भी ज़्यादा हैं, जैसे कि फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गया, ऑर्कुट हो गया, माई स्पेस हो गया, लिंक्डइन हो गया, फ्लिकर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, फ़ोटो वीडियो शेयरिंग करने के लिए करते हैं, सबसे अधिक लोकप्रिय साइटों में से एक है। एक सर्वे के मुताबिक विश्व भर में कितने 2.93 बिलियन फेसबुक यूज़र्स हैं, है ना, जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, और विश्व भर में इंस्टाग्राम के यूज़र कितने 1.4 बिलियन हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फेसबुक को यूज़ करने वाले ज़्यादा हैं और इंस्टाग्राम को यूज़ करने वाले काफ़ी कम हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टाग्राम को आगे निकलने में, है ना। ये कौन से डाटा, 2022 के अकॉर्डिंग डेटा है ये वाला, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए यहाँ पर देखिए, 2022 के अकॉर्डिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स को दुनिया भर में यूज़ करने वालों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर दे रखी है। देखो फेसबुक को आप यहाँ देख सकते हैं, जुलाई 2022 का डेटा है कि फेसबुक को दुनिया भर में कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 2,936 मिलियंस की बात कर रहा है। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स होता है, है ना। 10 लाख में कितने होते हैं, 1 मिलियन होता है, और 100 मिलियन में कितने, 1 बिलियन होता है, ऐसे याद करिए, ठीक है। तो ये आप कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। तो अब अगर इसको बिलियन में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको बोलेंगे 2.9 बिलियन, ठीक है। अब देखिए आप ये जानते हैं कि 2.9 बिलियन लोग ऐसे हैं जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसको बात को करोड़ में कहनी हो तो कैसे कहेंगे, देखिए यहाँ पर समझिए, 1 मिलियन लोग हैं, है ना, तो कितने लाख हुए, 10 लाख हुए, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं, तो आप मान लीजिए 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़, ठीक है। अब मान लीजिए 1 करोड़ में कितने मिलियन हुए, 1 मिलियन, ठीक है, ऐसे ही तो आप इसको बोल सकते हैं, नहीं गलत, क्योंकि यहाँ 0 जुड़ा है तो यहाँ पे भी 0 जुड़ेगा, ठीक है, तो ये कितने हुआ, 10 मिलियन हुए, समझ गए आप, ऐसे हैं। तो 1 करोड़ में कितने हो गए, 10 मिलियन हो गए। अगर ये मिलियंस की बात कर रहा है और इसको करोड़ में कन्वर्ट करना हो तो एक हटा दीजिए तो 293 करोड़ बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन है और ये मिलियन में डेटा दे रखा है, तो अगर इस 0 को नीचे रखकर और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा, है ना। तो 293 करोड़ फेसबुक यूज़र्स हैं। अब हम यूट्यूब की बात करें,
देखो आपको डेटा को समझना आना चाहिए, बेसिक समझ में आएगी तो आप सारी चीज़ें आसानी से कर जाएंगे। आ जाइए यूट्यूब यूज़र्स कितने हैं, इसको साफ़ कर देते हैं। देखो यूट्यूब यूज़र्स हैं 2.4 बिलियन, व्हाट्सअप यूज़र्स कितने हैं 2 बिलियन, इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं 1.4 बिलियन, है ना। तो बस ऐसे आप इन डाटा को देख सकते हैं, थोड़े से ऊपर के 2-3 याद होने चाहिए आपको। आ जाइए फ्रेंड अब देखते हैं। देखो सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। कैसे बन गया, आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। व्हाट इज़ सोशल इम्पैक्ट, देखो इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टिंग। अब जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के मेथड्स देखेंगे, आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बैंक में FD या फिर सेविंग अकाउंट में पैसा लगा सकते हैं, या फिर कोई SIP म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कौन सा माध्यम ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पैसा लगाने से आपको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स मिलेंगी, है ना। तो ये सोशल मीडिया आपकी हेल्प कर रहा है इन चीज़ों में, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, देखो हेल्थ पे भी 2 तरीके के प्रभाव पड़ेंगे। दिन भर जैसे मान लीजिए बच्चे मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, हेल्थ डाउन होगी, घर से बाहर निकलते नहीं है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है, है ना। जब घर से बाहर निकलेंगे ऑक्सीजन लेंगे तभी तो हेल्थ इंप्रूव होगी। इंडोर गेम्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आउटडोर गेम्स, ये हमेशा याद रखें। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई बंदा सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग एक्सरसाइज के पैटर्न देख रहा है, मेडिटेशन देख रहा है, ठीक है, योगा के प्रैक्टिस देख रहा है, तो उससे क्या होगा, इनको देखेगा तो इनको अप्लाई करेगा, जब अप्लाई करेगा तो उसकी हेल्थ अपने आप इंप्रूव होने लगेगी, है ना। सोशल इम्पैक्ट ऑन कंसल्टिंग, अब देखिए सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं, जिससे उनके जीवन में क्या हो रहा है, तरक्की आ रही है। वरना छोटी छोटी बातों पर घरों में लड़ाइयाँ होती थी, है ना, और आजकल सोशल मीडिया की वजह से भी हो रही हैं लड़ाइयाँ, ऐसा नहीं है नहीं हो रही, ज़्यादा कंसल्टिंग करने से भी हो रही हैं। तो इसीलिए आपको आपको अपना दायरा पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कॉर्पोरेट सोशल इम्पैक्ट, देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या कर रहा है, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है, अपनी कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पहुंचाने के लिए लोगों तक इसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट में इसका फ़ायदा है। अब जैसे मान लीजिए सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या खेती करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर इसराइल ने क्या किया, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया, ठीक है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में कैसे आप, है ना, बूंद बूंद पानी से भी इरिगेशन कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो इस तरीके के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसराइल गई थी और वहाँ से ये सीख कर आई, अपने किसानों को सिखाया, आज राजस्थान में ऐसे एरिया में भी खेती की जा सकती है आराम से, जहाँ पर पहले खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इस चीज़ की जानकारी आज, है ना, राजस्थान के मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रही है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, आप ये समझ सकते हैं। एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी, लोग क्या है, एनवायरनमेंट की तरफ जागरूक हो रहे हैं, किस तरीके से हमें हमारे पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो ये क्या है, सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इसके लिए। आ जाइए अब देखते हैं पब्लिक सेक्टर पब्लिक पॉलिसी। देखिए सरकार किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी लेकर आना चाहती है, उसने अखबार में इसका पब्लिकेशन दिया, ठीक, परंतु क्या हुआ, जैसे ही सरकार ने इसका पब्लिकेशन दिया ये सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि लोग इसका विरोध करने लगे। क्यों, अगर इसमें कुछ नेगेटिव है तो उसका विरोध करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसका सपोर्ट करेंगे लोग, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। पर इस एरिया का विरोध क्यों कर रहे हैं, है ना, इस एरिया का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ये इंडस्ट्री डेवलप करी है उन्होंने इस क्षेत्र में, और इस इंडस्ट्री से जो केमिकल्स वेस्ट निकलेंगे उससे आसपास का एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो सकता है, लोग स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, छोटे बच्चों पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, हेल्थ जो पहले से ही एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी सोसाइटी में वो और ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पब्लिक पॉलिसीज़ फॉर्मेशन की जाती है, और सोशल मीडिया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए सोशल इम्पैक्ट, है ना, एजुकेशन। देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में आप ये देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है, जहाँ पर पहले बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर्ली मिल नहीं पाती थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर बच्चा सब कुछ पढ़ सकता है, सब कुछ सीख सकता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसके बारे में नॉलेज ले सकता है। आज, है ना, वैरायटी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है ना। जैसे मान लीजिए आपको किसी टीचर का कुछ समझ ही नहीं आता, आप उसी टॉपिक को लिखिए तो आपको दूसरे टीचर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो आपके पास आज ऑप्शंस हैं, अवेलेबिलिटी है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, सोशल मीडिया की वजह से पॉसिबल हो पाया है ना। और इसकी वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि लोगों के पास में आज रिसोर्सेज है, सोर्सेज हैं, जिससे वो अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं।
आ जाइए अब देखते हैं ह्यूमन एंड सिविल राइट। देखिए जैसे जैसे सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे लोग क्या है अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुए हैं। देखो आज कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले लीजिए, चाहे फेसबुक को ले लीजिए, चाहे ट्विटर ले लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम ले लीजिए, चाहे यूट्यूब ले लीजिए, आज कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर दी जाएगी तो वो तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है और लोग क्या है अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाते हैं। जैसा कि टूनिशिया में देखा गया, टूनिशिया में फेसबुक के जरिए वहाँ की सरकार के खिलाफ आम जनता लामबंद होने लगी। हालात ऐसे हो गए थे कि सरकार को फेसबुक और ट्विटर अकाउंट ही बंद करने पड़े थे, परंतु फिर भी आंदोलन नहीं रुका और वहाँ के प्रेसिडेंट मुबारक को क्या करना पड़ा, मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि एक्चुअली क्या था, ये मुबारक थे, ये डिक्टेटरशिप तानाशाही रवैया अपना रहे थे, है ना। तो लोग क्या परेशान हो गए थे इनकी पॉलिसी से, कि सब लोग जानते हैं कि सबको अधिकार मिलने चाहिए, सब डेमोक्रेटिक तरीके से रहना चाहते हैं, है ना, सब आज़ादी से सांस लेना चाहते हैं। परंतु जब भी कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम को दबाकर तानाशाही डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम लेकर आएगा तो लोग क्या होंगे, अपने अगर वो अवेयर हैं अपने अधिकारों के लिए, उन वो अपने अधिकार जानते हैं तो वो क्या होंगे, सब मिलेंगे जुलेंगे और इकट्ठा हो जाएंगे, एकजुट होकर अपनी आवाज़ को रेज करेंगे। और इसमें सोशल मीडिया क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाने के लिए। आज जैसे मान लिया आपको कोई समस्या है किसी भी चीज़ से और वो सही चीज़ है, तो आप जैसे ही उसके बारे में बोलेंगे तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी और लोगों का आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। तो आ जाइए देखिए सोशल मीडिया का सीधा सीधा प्रभाव देखा जा सकता है ह्यूमन राइट्स सिविल राइट्स पर। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं पहले। अब देखिए सोशल एंटरप्राइज, नॉन प्रॉफिट एंड सोशल एंटरप्राइजेज, तो क्या है ये सामाजिक जो भी एंटरप्राइजेज हैं, नॉन प्रॉफिट एनजीओज हैं, इनके बारे में क्या है लोग अवेयर हो रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको एक आवाज़ दे रहा है ना। आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए अब देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, आप खुद सोचिए, जैसे सोशल मीडिया डेवलप हो रहा है तो कनेक्टिविटी नेटवर्क ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, लोग आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, कम्युनिकेशन आसानी से कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बैठे बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इतनी सारी सैटेलाइट सिस्टम डेवलप हो चुकी है, है ना। आप अपनी फीलिंग्स एंड ओपिनियन शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आपके मन में कोई बात है, पॉजिटिव बात है, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बता सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में ये एक बहुत बड़ी क्रांति आई है, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं आज एजुकेशन के क्षेत्र में जो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और मिनिमम चार्जेस पे, जिसके लिए पहले बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, है ना। बिजनेस ग्रोथ आ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, जान रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। अगर जैसे मान लीजिए किसी को रिसर्च करनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के द्वारा बिजनेस ग्रोथ आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहता है तो वो ईजिली कर सकता है, वो ये जान सकता है कि लोगों को ज़्यादा क्या पसंद है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं, है ना, किस तरह की चीज़ें उनको देखना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले देख सकते हैं कि उनको कौन सी चीज़ें देखना पसंद है, क्या सुनना पसंद है, तो उसी तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और इससे क्या होती है बिजनेस ग्रोथ आती है। अब देखिए इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, कौन से, जैसे जैसे सोशल मीडिया एक वरदान साबित हुआ है वैसे इसमें कुछ अभिशाप भी हैं, है ना, कौन से, देखिए फेक प्रोफाइल एंड रिलेशनशिप। जैसे जैसे सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हुआ है लोगों ने क्या फेक प्रोफाइल भी बनाना चालू कर दिया था, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे इसलिए फेक प्रोफाइल बना के बातें करते थे, परंतु इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, बॉयज़ भी गर्ल्स की प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को हरेस करने के लिए, उनका मिसयूज़ करने के लिए प्रोफाइल्स बनाने लगे, है ना। रिलेशनशिप अगर इस बेसिस पे डेवलप होंगी किसी ने फेक प्रोफाइल बना के झूठी बातें बोलकर डेवलप करी तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबी थोड़ी चलेगी। जब तक आपके अंदर लॉयल्टी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसी चीज़ें नहीं होंगी तब तक कोई भी रिलेशनशिप लंबी नहीं चल सकती, ये आप भी जानते हैं, है ना। तो ये फेक प्रोफाइल बना के कोई रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकती, वो थोड़े समय तक चल सकती है ना। लंबे समय तक चलने के लिए क्या चाहिए, ईमानदारी चाहिए, विश्वास चाहिए, एक दूसरे का सहयोग चाहिए, ठीक है। और पर जैसे जैसे सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हुआ तो ये चीज़ें जो नैतिक मूल्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई है, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, लोग क्या हैं फालतू की अफवाहें, नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए घटना हुई नहीं है उससे पहले बता रहे हैं कि वो घटना हो गई है,
एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ने जा नहीं रहा, वो मिलने जा रहा है, तब उसको इस तरीके से दिखा दिया कि वो लड़ने जा रहा है और आके दंगे भड़का दिए। तो इस तरीके से र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, अपनी अपने उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं लोग, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ाने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है और लोग भड़क भी रहे हैं। तो इसके लिए क्या अवेयरनेस ज़रूरी है, और आजकल तो सरकार है ना इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाती हैं कि सोशल मीडिया की बातों में ना आए, भ्रमित ना हो इस तरीके से, ठीक है। एडिक्शन टू सोशल मीडिया, लोगों को क्या इसकी आदत लग जाती है सोशल मीडिया की, ये एक और बहुत बड़ा नेगेटिव वो है कि आपको 24 घंटे बस मन करता है कि हाँ उस प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है। जैसे इंस्टाग्राम चला रहा है और कोई किसी को लाइक करता है तो बस वो इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि वो अपनी कोई वीडियो डाले, कोई पोस्ट डाले, है ना, वो एडिक्टेड होता जा रहा है सोशल मीडिया का। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना ज़रूरी है। एनजाइटी एंड डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है सोशल मीडिया, साइबर बुलिंग का कारण बन रहा है। देखो साइबर बुलिंग क्या होता है, ताकतवर है ना कमज़ोर पर क्या करता है, कमज़ोर को डराता है, ताकतवर अपना अधिकार जमाता है, इसको डराता है, इसी को साइबर बुलिंग बोलते हैं। साइबर मतलब इंटरनेट के थ्रू ताकतवर धमकी दे रहा है कमज़ोर को, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ठीक है। कल्चरल एग्रेशन हो रहा है, कल्चरल एग्रेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक समुदाय दूसरे समुदाय पे अपने कल्चर को थोपने में लगा हुआ है, वो बोल रहा है हमारा कल्चर ज़्यादा सुप्रीम है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे कल्चर से, तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती है ना एग्जाम इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें बस समझने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि साइबर जो सोशल मीडिया है इसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं समाज में पड़ रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए अब ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये फोटो है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने फ़ोन में इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सा भी हो सकता है, चाहे व्हाट्सअप होगा, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, ऑर्कुट होगा, ठीक है, स्नैपचैट हो सकता है, कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग हैं ना आज सोशल मीडिया साइट्स के बिल्कुल आदि होते जा रहे हैं, वो इसमें इतने ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं कि वो सोशल इंट्रैक्शन ही भूल गए हैं, जो हम एक दूसरे से साथ में बैठ के वार्तालाप करते थे, अब उसकी जगह पर उनको फ़ोन चाहिए, ठीक है, उसको इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं पर वो एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ एक धीरे धीरे क्या होगी, आप इसके आदि हो जाएंगे, लत पड़ जाएगी, है ना, आप एक मनोरोग के शिकारी हो जाएंगे कि आपको फ़ोन नहीं मिला तो आप पागलपन के भी शिकार हो जाएंगे कि भाई बेचैन होने लगेंगे, विचलित होने लगेंगे। इस चीज़ से बचने का सिंपल सा तरीका होता है, आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ठीक है, थोड़ा सा अपने खुद के लिए भी समय निकालिए, नहीं तो क्या होगा, जो चीज़ आपके लिए वरदान साबित हुई है वो धीरे धीरे आपके लिए क्या हो जाएगी, अभिशाप बन जाएगी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करिए, और यही सारी चीज़ें बता रहा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया हमारे लिए एसेंशियल है उस तरीके से इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं सोसाइटी में। आ जाइए आप देखिए, ये दूसरी पिक्चर है आपके सामने, आप इस सोशल मीडिया का एडिक्शन देख सकते हैं कि लोगों को इतना ज़्यादा इसका एडिक्शन हो गया इंटरनेट का, सोशल मीडिया साइट्स का, कि वो अपने जीवन के लिए जो अमूल्य वस्तु है पानी, ठीक है, उसका त्याग करके इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये कार्टून है पर ये हमारे आज का जो परिदृश्य है उसको बिल्कुल साकार करते हुए कि समाज में इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं और इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आ जाइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए आप देख लेते हैं क्वेश्चन। बताइए भारत में कितने अधिनियमों के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7 रखे गए क्या, ऑप्शन सी में 8 रखे गए क्या, ऑप्शन डी 10 रखे गए क्या। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए जब तक हम ये देख लेते हैं, देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ाते हैं, ट्रिप्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक। तो इसमें कितने बौद्धिक संपदा अधिकार रखे गए, 7, ठीक है, और इंडिया में भारत में कितने रखे गए, 8, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सा रोजगार आएगा इसमें से, डेटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी क्वेरीज हो, सजेशंस हो, तो वो आप हमें दे सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय।